Listen everybody. मुझे स्कूल में मोस्ट हैप्पीएस्ट चाइल्ड का अवार्ड मिला है। अरे मामा। और इसका क्रेडिट जाता है मेरी फैमिलीज को। थैंक यू सो मच मुझे इतनी हैप्पी फैमिली देने के लिए। अरे अरे बाड़ा, इसमें धन्यवाद किस बात का? हा? देख अभी तू और मैं तो है ही पैदाइशी मराठी। आज चलो। और तेरे नाना नानी भी हमारे पड़ोस में आके कितने अच्छे हो गए ना। अन्ना भाई, अरे हम गुजराती लोगों में तो ब्लड में होती है अच्छाई, और जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ वहाँ ही अच्छाई फैला देते हैं, बताइए है ना अन्ना भाई। ऐसे ही हैप्पी रहेंगे ना हमेशा। हाँ हाँ, ये देख बाड़ा, खुश रहने का विकल्प हमने स्वतः ने चुना है। बाकी क्या है ना इस दुनिया में, द्वेष, कलेश, बैर, गुस्सा, इन सब के लिए तो बहुत सारे कारण होते हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे अन्ना भाई ने। क्या होता है ना बेटा, कभी कभी दो पड़ोसी देश भी लड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि देश के अंदर दो राज्य या दो शहर, यहाँ तक कि दो पड़ोसी भी एक दूसरे का सत्यानाश करने के लिए तरसते रहते हैं। अपने अपनों से बेगाने बन जाते हैं, हमारी अपनी परछाई हमसे रूठ जाती है। हाँ बेटा, क्योंकि आईना भी झूठ बोलने लगता है, या फिर नजरें धोखा खा जाती है। लेकिन खुशी का विकल्प चुना है तो उसे बनाए रखने के लिए सावन का अंधा बनना पड़ेगा ना, जिसे सब कुछ हरा हरा नजर आए। तू हर साल ये सबसे खुश बच्चे का पारितोषिक जीतेगा ही जीतेगा, ये हम सबका निर्णय है कि नहीं, बोलो। हाँ 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 ये कपाट हटाओ इधर से। बस अभी अन्ना भाई, देखिए मम्मी पापा। नहीं, गायत्री, जानबूझ के इन्होंने ये कपड़ यहाँ पे रखा है हमारे घर के आगे। हाँ, अरे मैं कुछ भूला ही नहीं उर्मिली। देखा तूने ही तो मुझे कहा कि कबर्ड घर के बाहर जाके रख दीजिए, तो मैंने रख दिया। अरे तो मैं घर के बाहर रख दीजिए बोलूंगी तो आप क्या व्हाइट हाउस के बाहर रख के आएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर? हमारे घर के बाहर रखने को कहा था। अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? अभी इतनी सी बात को देखिए, ये अन्ना भाई कहाँ से कहाँ ले गए। नहीं, मैं बात को कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ उर्मिला बहन। अन्ना, अब इनसे बहस करके कोई फायदा है क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों के साथ साथ अकल पे भी पर्दा पड़ा है। अभिषेक, फिर से ताना मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गायत्री, जान दे। नहीं अन्ना, इसने जो मेरे साथ किया ना, मुझे जो धोखा दिया है ना, उसी बात को लेकर तुमने तलाक दिया ना मुझे। अब क्या जान लेना चाहती हो? जान तो तूने ली है मेरी बच्ची की, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा किया है तूने। रोज रोज बेचारी घुट घुट के जीती है मेरी बच्ची। ओ अन्ना भाई, घुट घुट के तो मेरा बेटा जी रहा है, रोज रोता है। पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं इस लड़की को, भरोसा करना भी नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने। कहाँ है कहाँ इसके माँ बाप? अरे बुलाओ, अरे कहाँ हो, बाहर आओ। क्या है? क्या बुलाइए बुलाइए, कहाँ है इसके माँ बाप? इसका बाप दुबई जाके नहीं बैठा है, यही है। यही है? कहाँ कहाँ? अरे आप है इसके बाप। मैं दिख रही। क्या ये बचकर ना ये सब चल रहा है? एक मिनट, गायत्री बड़ा, झगड़ा किस बात का हो रहा था? कपाट ना कपाट कपाट, मैं बोलता हूँ आप भी का भी ये कपाट यहाँ से उठाइए, वरना ये कपाट उठा के आपके सर पे डालूंगा मैं। अच्छा, उठा के दिखाइए। मैं सचमुच उठाऊंगा। हाँ उठाइए उठाइए।
महेंद्र भाऊ जरा हाथ देना। अरे गे, अरे आप क्या इधर हाथ देने आ गए? ये कबाट आपसे भी नहीं उठेगा। अरे क्या नहीं उठेगा, मैं खुद ही तो कबाट यहाँ लेकर आया हूँ। चल देखा देखा, अभी श्वेता ने कबूल किया, श्वेता बोले खुद ही लेके आया करके। अरे तो वो तो लेके ही आए, गलती से लेके आए। गलती से क्यों लेके आए? अरे गलती से नहीं लेकर आया। कृष्ण वाला कांग्रेचुलेशन। अरे ये भाकर तोंडी नहीं है। तो कौन सी तोंडी है? लोकर तोंडी है। ये आवाज क्या है? कहाँ से आ रही है? कोई झगड़ा हो रहा है? तुझे अवार्ड मिला है ना, तो अपने घर वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जाके तू भी देख। करो उर्मिला पहिड़, कितनी आरती उतरोगी हम? कितनी आरती उतरोगी? ये कबाट यहाँ किसने रखा नाना जी? क्या है ना, इन्होंने ही ये कपाट यहाँ पे रखा है ताकि तेरे जन्मदिन के सारे तोहफे हम कपाट में भर सके। वाह, कितना सोचते हैं आप महेंद्र भाऊ। कृष्णा अभी समझा ना, तेरी नानी को समझा, आरती बंद करने का नाम ही नहीं ले रही है ये डूचकी। मैं क्या करूं अन्ना भाई, आपने काम ही ऐसा किया है कि आपकी जितनी आरती उतारी जाए उतनी कम है। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने अन्ना भाई से कहा कि इस साल हम कृष का बर्थडे हमारे घर पर मनाएंगे, और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बोल, है ना अन्ना भाई? ऐसा कहा आपने अन्ना? हाँ मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। वैसे क्रिश बेटा, हम तो तुझे गिफ्ट देने ही वाले हैं, लेकिन अगर तुझे कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए ना, तो हमें बोल देना, हम सब मिलकर तुझे देंगे। ठीक है, मुझे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, कल आप हमारे वाड़े में आ जाना। उड़ी बाबा। आप और दादाजी सारा दिन, बल्कि दो दिन एक साथ बिताएंगे। और मैं आपके प्यार भरे रिश्ते की रिकॉर्डिंग कर लूंगा। रफाकर दादा, क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे एक फिल्म की ऑफर मिली है केशव। क्या? अरे वाह। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। अरे हाँ बोलिए प्रभाकर दादा, अब भी हाँ बोलिए, सोच क्या रहे हो? लेकिन वो रात के 10 बजे का शो देखने की ऑफर मिली है भारती से। कर्म दशा, पिक्चर देखने जाने की ऑफर मिली है? प्रभाकर दादा आप भी ना, सच में। वैसे पिक्चर तो हमारे घर में बनने वाली है। अरे भूल गए, कृष्णा बोला था ना, उसकी स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, वो फिल्म बनाने वाला है, दादा नाना भाई भाई, जब वो गुजराती सांप और मराठी नेवला, वो दोनों जब एक साथ एक पिंजरे में आएंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। अभी सुनो उनका, मैच चल रही होगी। देखा
देखा ऐसे ही साइरन बजा देता हूँ, मजा आएगा। शांति रखिए। क्या उर्मिला भाई? प्रभाकर दादा क्या हुआ? अरे तूने झूठ मूठ का अलार्म बजा दिया, क्यों परेशान कर रहा है उन्हें? अरे ये लोग परेशान होते हैं क्या? अभी देखो उधर सुनो ऐसे करके हंस रहे पांचों। और उन्हें टेंशन में देख के तू खुश हो रहा है? मजा आ रहा है ना। लेकिन जब जब तू टेंशन में आएगा ना तब अरे मुझे किस बात की टेंशन हो सकती है प्रभाकर दादा? कैसा दादा? संतोष भैया कैसन हो? कैसन हो? जब जरूरत पड़ी तो आप तो हमें टॉर्च लेके ढूंढ रहे थे और अब छुपन छुपाई खेल रहे हैं आप? नहीं नहीं ऐसी बात ना है। मामला क्या है संतोष? ओ प्रभाकर दादा कोई मामला नहीं है, आप डिलीवरी देने जाइए, जाइए। लो लो संतोष ताजी है। मेरे बाप मेरी बात सुन। ये क्रिश अभी तक आया क्यों नहीं? कब तक ऐसे हंसते रहेंगे? मुझे लगता है केशव कार्त्या ने ऐसे ही मस्ती में सायरन बजाया लगता है। पेंदिया आग लावया। हाँ बेटा किसका है? क्या बोले आप? क्या बोले? अभी देखो, अभी देखो आप। आज शाम को कृष्णा को खाना खाने की बारी आपके घर पे है ना? अभी मैं आपके यहाँ भेजूंगा ही नहीं। देखा महेंद्र, देखा आपने? बहाना ही चाहिए इन्हें तो। केशव कार्त्या कड़ीचा नारद झूठ मुख का सायरन बजाता है तू? रुक, अरे तेरी वजह से मुझे उन गुजरातियों के सामने मुस्कुराना पड़ा। रुक रुक वरना मारूंगा तुझे। आते बाइक के आगे आने से क्या होगा अंकल? आना है तो ट्रेन के सामने आइए ना। क्या है? एक तो महादेव पेट में फटफटी घुसाता है, ऊपर से टेढ़ी बात करता है। अरे अंकल आई एम जस्ट जोकिंग। अंग्रेजी? आई एम बाड़कृष्ण गोखले। और ए जस्ट जोकिंग, यहाँ हमारे यहाँ पे है ना फटफटी घुसाना मना है, समझा क्या? ऐसा किधर लिखा है? इधर लिखा है इसमें, साफ लिखा है साफ। इधर पटपटी लाके प्रदूषण बढ़ाने वाले को और शोर करने वालों को। लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि आपकी जेब में ये नोटिस है, वरना मैं सीधा बाइक लेके आपकी जेब में घुस जाता ये पढ़ने के लिए। ऑलराइट अन्ना नहीं है क्या? होगा इस झूठ का निर्मिति बेन। अरे वाह उर्मिला वहीनी, आपने मेरा नाम एकदम सही सही बोला। शांति रखने। क्या करूं बेन, जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना तो मैं अपने कैरेक्टर में से थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ। अभी देखो ना, जिस बेटी को पैदा किया, इतने प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो दुश्मन के साइड जाके बैठ गई है। हा? नहीं नहीं सॉरी, मीन्स के आप दुश्मन नहीं है। मैं जानती हूँ उर्मिला वहिनी, दुश्मन तो वो अपने आप के हो गए हैं और दुश्मनी एक दूसरे के खिलाफ निकाल रहे हैं। क्या होगा हम सबका? ए, जस्ट जोकिंग। एक तो गलती करता है, ऊपर से मुझ पे व्यंग करता है तू। डंडा, ए केशव खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? डंडा ला, मेरा डंडा ला। ओ अन्ना भाई, अरे डंडा आपके पास ही तो है। प्रणाम मौसा जी। अरे कैसा है मौसा जी? अच्छा तो ये आपका भांजा है? अभी मेरे पांव छू के मुझे मौसा जी बुला रहा है, तो मेरा भांजा ही होगा ना। मैं चिराग गिलानी। अरे ये तो कोई बिंदक झूठ बोलता है।
अभी थोड़ी देर पहले केशव इसने क्या बोला, आई एम जस्ट जोकिंग, और अभी बोलता है मैं चिराग घेलानी। अभी नाम क्या है इसका, जस्ट जोकिंग है कि चिराग घेलानी है? झूठा कहेगा, झूठ बोलता है तो। अरे कान की खुजली, महादेव पेट में वायु प्रदूषण करता है। अन्ना भाई, ये महादेव पेट सिर्फ आपका नहीं है। हाँ, बाप का नहीं है? बाप पे जाते हो महेंद्र भाऊ? बाप का नहीं है ऐसा कहाँ बोला मैं? मैंने कहा आपका नहीं है। अब पूछिए, पूछिए केशव को पूछिए। अन्ना ये बाप ही बोले? अन्ना इसी दिन के लिए तो ये आपने डंडे को सरसों का तेल पिला पिला के मजबूत किया है। खड़े क्या है अन्ना, मारिए मारिए इन गुजराती के सर पे, मराठी मानुष जागा हो। तो ये गुजराती भाईड़ा भी चुप नहीं बैठेगा, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, समझे ना आप? आ जाइए। चुनौती चुनौती ले लीजिए मौसा जी, चुनौती। थैंक यू, मारिए थैंक यू, मारिए मौसा जी मारिए। आप लोग लाठी से डांडिया खेल रहे हैं? अरे कृष्णा, कभी आया मेरा बच्चा? ये क्या है ना, तू पिक्चर बनाने वाला है ना मुझे और महेंद्र भाऊ को लेकर, तो उसी में वो शूटिंग के लिए डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे है कि नहीं महेंद्र भाऊ? बोलो। हाँ 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 बेटा, वो क्या है ना कि डांडिया खेलने के लिए हमें छोटे छोटे डंडे नहीं मिले ना, इसलिए बड़े डंडों से खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा कोई सीन ही नहीं है नाना जी। ओ, मैंने खुद लिखी है स्क्रिप्ट। आप शाम को हमारे वाड़े में आ जाना, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, आ जाऊंगा बेटा। चलिए ना। चलो बाड़ा चलो। मस्त माहौल बन गया था, मरम मरी का सब गड़बड़ हो गया। कृष्णा भी ना गलत टाइम पे एंट्री करता है, सच में एक बार हो जाना चाहिए घमासान दोनों के बीच, ताकि फैसला तो हो। कितने दिन ऐसे अलग अलग रहेंगे हम? वही तो, अभी ये अन्ना भाई और महेंद्र भी ना एक दूसरे के जानी दुश्मन बन के बैठ गए। वो पिक्चर थी ना वो अपनी, क्या मस्त वो ऐसा ऐसा, वो सौदागर पिक्चर के कुमार कुमार और दिलीप राज की तरह। राजकुमार और दिलीप कुमार है वो तो सेम हवे। अभी कुमार कुमार दिलीप राज ये चार चार शब्द मैंने एक साथ दे दिए ना आपको एक लाइन के अंदर, तो अभी थोड़ू ऐसे क्या बाल की खल निकलने बैठ जाते हो मटर छिलते छिलते। कोई रास्ता निकालो ये जय वीरू को फिर से जय वीरू बनाने के लिए, गायत्री और अभिषेक को भी फिर से एक होना ही होगा बेन, इन दो परिवारों को फिर से पहले की तरह एक होना ही होगा, कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा नर्मदा बेन। My God, बहुत ही सुंदर बाइक है। Thank you, मेरी है ये बाइक। अच्छा, फिर भी बहुत सुंदर है। What? अब अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे एक राइड देंगे प्लीज? जरूर, I mean जरूर राइड देता, बट मैं अजनबियों को डबल सीट नहीं बिठाता यार। अच्छा, तो फिर आए उज्ज्वला। अब I'm Ujwala Gokhale. And I'm Chirag Ghilani. Pleased to meet you. Same here. Urmila behen, Mahendra bhau, Krishna ke janamdin ki party ka ayojan apne yahan karne ki chalbazi to aapne kar li. Lekin uska cake hamare waade mein hi katega. Baki ka karyakram aap apne yahan pe kar sakte hain. Wow! मींस के मेन मेन आइटम आपके यहाँ और बच्चा कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ। वाह 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 अन्ना भाई, इसका मतलब आप तो फिर मेहमानों को केक के साथ साथ थाली पीठ कोथम्बीर वड़ी और अपना उछल मिचल सब ठूस ठूस के खिला देंगे, है ना?
और छोटी सी वो रिटर्न भेंट भेंट होते हैं वो भी दे देंगे मेहमानों को। अच्छा 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 अच्छा, तो हम हमारे घर में से मेहमानों को सिर्फ बाय बाय ऐसा बोल दें सीधा? महेंद्र आप चुनौती दे दीजिए। हाँ अन्ना भाई, मैं आपको चुनौती देता हूँ। किस बात की? किस बात की उर्मिली? वो केक पहले हमारा ही कटवाएंगे हम, इस बात की। हाँ सुन लिया? ठीक है, और अगर हमने अपना केक पहले कटवाया तो हमारा जो क्रिश पे अधिकार है ना, वो हम जिंदगी भर के लिए खो देंगे। हम अपनी क्रिश की तरफ देखेंगे भी नहीं महेंद्र। हाँ आंख उठाकर भी उसके सामने नहीं देखेंगे हम। हम अपने क्रिश के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे महेंद्र। हाँ हाँ हाँ, हमेशा के लिए क्रिश के साथ हम हमारा रिश्ता तोड़ देंगे। मंजूर है, मुझे ये चुनौती मंजूर है। अभी सुन लो उर्मिला बहन, महेंद्र भाऊ, अगर हमने अपना केक पहले कटवाया तो कृष्णा आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप लिख लीजिए टिकट फ्रॉम मी, 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 टिकट। ये टिकट फ्रॉम मी ऐसा बोल के गया ना? ऐसा कोई तो बोलता है, मैंने सुना है पहले भी। कौन बोलता है ऐसा? मेरा बाप। अच्छा, तो क्या किया आपने महेंद्र? कौन महेंद्र? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.